बता दूं कि वही राष्ट्र निर्माता शिक्षक हैं जो कि राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। यानी एमपीएस विद्या मंदिर में रह करके ग्रामीण क्षेत्र में रह करके एक साथ दो दो फूल खिलाए हैं। कहते हैं ऐ खुदा तेरी खुस्मत में क्या कद्र लिखी हुई है, हम तो तेरे खुदा के वास्ते से काम करते थे, खुशबू तो तुम अपने आप लिखी हुई है। यानी आज जो है सो कहीं ना कहीं हमारे साथ देख सकते हैं कि एक साथ चार चार शिक्षक हैं और जिसको हम लोग गुरुजन कहते हैं, और यहाँ पर जो है सो पढ़ा करके बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा करके जैसे पूरे स्टेट में जैसा अपना नाम का डंका बजा दिए हैं। सबसे पहले बात, आपका नाम क्या हो गया? सरोज मंडल। अच्छा, आप यहाँ पर कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम जो है 2019 ईस्वी से यहाँ पे जो है काम 2019 से आप जो है सो यहाँ पर रह करके ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा को जो है सो अपना सेवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सेवा भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना टैलेंट भी दिखा रहे हैं सर। जी जी जी। अच्छा, कितना घंटा यहाँ पढ़ाते हैं? हम लोग जो है यहाँ पे 7 घंटा जो है क्लास करवाते हैं। सर, आपके यहाँ से इस बार 2 बच्चा एग्जाम पास किया है, अगले बार कितना पास करेगा उसका जस्ट टारगेट बताइए। हम लोग का टारगेट रहेगा कि इस बार अगर 2 बच्चा पास किया है तो अगले साल जो है ना 10 बच्चा पास करे। यानी उस से 10? जी जी बिल्कुल सर। 200 से 200 पर क्यों नहीं जा सकते हैं आप लोग? जब 2 है तो 200 पर जाने का टाइम। जी बिल्कुल, 200 पर भी जाएंगे जी। लेकिन बहुत मेहनत के बाद जो है इस बार दो बच्चा निकला है, एक सैनिक में निकला है और एक नवोदय में निकला है। अच्छा। हम लोग का प्रयास रहेगा, एक टारगेट है 10, लेकिन चाहेंगे कि 20 हो 25 हो 30 हो, ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बच्चा कितना एग्जाम देगा वो मतलब नहीं रखता है, लेकिन 10 बच्चा इस विश्वविद्यालय से अगले बार पास होना है। यहाँ का शिक्षक बता रहे हैं अपना जैसे चैलेंज ठोक रहे हैं, अभी डंका बजा रहे हैं अपने क्षेत्र में। सर जो है सो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि समाज में एक सीख भी मिलना चाहिए। आज हमारे साथ जो है सो सर हैं, कहीं ना कहीं सर सबसे पहले बात, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत। अच्छा सर जो है सो आप यहाँ पर कितना घंटा काम करते हैं बताइए? हम लोग 5 घंटा 5.5 घंटा काम कर लेते हैं। आप सबसे जो है सो इसमें ज्यादा एज का लग रहे हैं। एक बात बताइए सर, यहाँ पर कितना दिन से आप रहते हैं? हम 2016 से अभी तक है। 2016 से हैं जी। मतलब जो भी शिक्षक आए हैं एमपीएस विद्या मंदिर को छोड़ करके आज तक नहीं गए हैं, आपका एक खासियत हमें दिखाई दिया है। अच्छा सर, आपके यहाँ 2 बच्चा एग्जाम पास किए हैं, इनमें अपने ग्रामीण को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीण से यही संदेश देंगे कि बच्चे दे, हम आपको अच्छा से अच्छा मतलब देंगे उसको बना करके, और तैयारी आगे करते रहे, बच्चा आगे जा करके अपना हासिल करे लक्ष्य। अच्छा, आइए सर, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ रवि रंजन कुमार। आप कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? देखिए, जब से यह संस्था, हम लोग पहले संस्था खोले थे ना, तो हम लोग 3-4 शिक्षक मिलकर के ये संस्था खोले थे। हम तभी से संस्था है खोले हैं, तभी से हम इस स्कूल में है और हाँ तभी से हम है। और जब हम संस्था में आए थे तो हमको लगता है बाउरी प्रखंड में ऐसा स्कूल नहीं था जिस तरह से एमपीएस था। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं, इस स्कूल में इतना पढ़ा हुआ कि जो बच्चा 3 साल में पढ़ता था वहाँ पर 3 महीना में पढ़ लेता था। अच्छा, मतलब इतना मेहनत करते हैं ये नवयुवक शिक्षक है। मैं आपको बता दूँ कि नवयुवक शिक्षक आज अपने दम पर जाए ना, क्या कहते हैं, देश क्या विश्व को भी बदल सकते हैं अगर उतर जाएंगे युवक अपने दम पर तब। अच्छा सर, आप यहाँ पर जो पढ़ाते हैं कितना क्लास तक पढ़ाते हैं? हम यहाँ पढ़ाते हैं 1 से 8 क्लास तक पढ़ाते हैं। 1 से 8 ठीक हैं। हाँ, जब अगर हम 1 से 8 तक पढ़ाते हैं, मेरा मूल विषय इंग्लिश हुआ, अगर शिक्षक हमारे यहाँ उपलब्ध जैसे कोई अवकाश में रहता है तो वहाँ हम मैथ भी पढ़ा देते हैं, साइंस भी पढ़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे यहाँ से कुछ यहाँ से सीख करके जाए, ऐसा ना हो उसका कुछ छूट जाए और फिर आगे जाके बोले जो मेरा स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ। हम चाहते हैं 100% यहाँ से बच्चे ज्ञान लेके जाए, और ज्ञान लेके जाने के बाद वही बच्चा हमको फिर पुनः 2-4 बच्चे पकड़ करके और लाएगा, इससे हमारा संस्था को भी फायदा होगा, हम लोग को भी फायदा होगा। हम चाहते हैं जो इस बार नवोदय और सैनिक स्कूल प्लस नेत्रहाट में भी जो बच्चा जो इस बार फॉर्म भराएगा और तैयारी चल रहा है, उसके लिए हम लोग सभी शिक्षक मिल करके चाहते हैं जितना से जितना तैयारी करवा दे, एक्स्ट्रा भी टाइम लगे उसमें, एक्स्ट्रा भी टाइम दे करके उसमें तैयारी करवा दे। और हाँ, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हम ही लोग तैयारी करवाते थे। अच्छा सर, जैसे आपके विद्यालय में कुछ बच्चे कमजोर हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अनिल सर। अच्छा अनिल सर जी, आपके विद्यालय में तेज बच्चे को सब पढ़ा लेते, जो कमजोर बच्चे उनको कैसे पढ़ाते हैं? हम जो है उनको स्पेशल टाइम देते हैं, ठीक है? हाँ, अगर ऑफिस में आ जाते हैं छुट्टी के बाद तो ऑफिस में भी आधा घंटा टाइम दे देते हैं। हाँ, अभी देख सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर कितना दिन से पढ़ाते हैं? हम 8 महीना से पढ़ाते हैं। 8 महीने से पढ़ाते हैं, यानी आप जैसे नए आए। हम नए आए हैं। कैसा लग रहा है विद्यालय? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। नटखटी बच्चे लोग कैसा है?
बहुत शरारत, बच्चा शरारत नहीं करेगा तो क्या बड़े शरारत करेंगे, ये बताइए। अच्छा, बच्चा तो थोड़ा शरारती होता ही है, लेकिन उसको सुधार करना है, विकास करना है, उसको डेवलप करना है। दोस्तों अभी हम आपको बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बाहुबली से अपडेट देने का प्रयास कर रहे थे, एमपीएस विद्या मंदिर, जो कि आज जो है सो एमपीएस का फुल फॉर्म क्या है सर? महाराणा प्रताप सरस्वती विद्या मंदिर तिरहुता। महाराणा प्रताप सरस्वती विद्या मंदिर तिरहुता, यानी कि एक ऐतिहासिक विद्यालय है। बाकी अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।